तो स्वागत है आपका अपने चैनल डी आर एस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस लेकर आए आपका कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग कहने का मतलब क्या है कि आज का क्वेश्चंस आपका बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैं आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप लोग का क्वेश्चंस है, जो भी आप लोग का 4-5 क्वेश्चंस मैं आज डील करवाऊंगा, वो बिल्कुल भी टफ नहीं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। लेकिन कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को लेकर आने का मकसद मेरा ये है कि आप प्रॉपर मेथड क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने का, वो हम इस आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आपका क्या है कि ये कोडिंग डिकोडिंग तो हम लोग चैप्टर पढ़े ही होंगे, उससे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे आपका अल्फ़ाबेट। उससे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़े क्या होंगे आपका अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 50-70% जो सिलेबस है वो अल्फ़ाबेट का फॉलो होता है, किसमें, कोडिंग डिकोडिंग वाले में। कहने का मतलब है कि अल्फ़ाबेट वाले में हम लोग पढ़े होंगे आपका पोजीशंस ऑफ लेटर, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े होंगे अपोजिट लेटर, ठीक है। ये दोनों चीज़ जो है आपका पोजीशन ऑफ लेटर जो है आपका, ठीक है, और दूसरा आपका अपोजिट लेटर है, ये दोनों का काफ़ी अहम भूमिका है कोडिंग डिकोडिंग को बनाने में। अगर ये दोनों चीज़ आपका कन्फर्म है तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ जो लेटर है आपका याद कर लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका अपोजिट लेटर याद कर लीजिएगा तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोनों चीज़ जब तक याद नहीं होगा तब तक ये बनाना काफ़ी मुश्किल है, अगर ये दोनों चीज़ याद है तो ये बनाना आसान हो जाता है। अब देखो क्या है, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या लिखा गया है अगर आपका इससे पहले वाला जो एक सिंपल कोडिंग डिकोडिंग आता था, है ना, ये तो आपका चाइनीज़ कोडिंग वगैरह जो भी है, इससे पहले जो आपका सिंपल आता था वो आपको बनाने आता होगा, तो आप लोग को पता होगा एक बात इसमें क्या कि अगर मेरा कोई भी सिंगल वर्ड रहता है उसका सिंगल कोड होगा, अगर कोई भी मेरा कॉमन वर्ड रहता है तो उसका कॉमन क्या होगा, कोड होगा आपका, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या इसमें दिया गया है, कॉन्ट्रास्ट, गार्डन, ब्लैंकेट और म्यूज़ियम को W। देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको हम यहाँ पे लिख के समझा देते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्या लिखा है, कॉन्ट्रास्ट है आपका, ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट है आपका। ये यहाँ पे क्या है, गार्डन लिखा गया है, फिर आपका ब्लैंकेट लिखा गया है, ठीक है, फिर आपका ब्लैंकेट लिखा गया, फिर क्या लिखा गया है, म्यूज़ियम लिखा गया है ठीक है, आपका म्यूज़ियम लिखा गया। इसका कोडिंग क्या है, W*21। फिर आपका नेक्स्ट वाला है W*24, ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट वाला है क्या है कि P$18, फिर आपका नेक्स्ट वाला है Q has 18 करके दिया गया, ठीक है। तो ये इसका कोडिंग दिया गया। अब ये नहीं समझना है हम लोगों को कि जो भी आपका पहले वर्ड आएगा उसका पहला वाला कोडिंग होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे कंट्रास्ट आया तो इसका ये वाला कोडिंग नहीं होगा, गार्डन आया इसका ये वाला कोडिंग, मतलब ये श्योर नहीं कि कौन सा आपका कोडिंग होगा, ढूंढना हम लोग को है। तो ये ढूंढेंगे कैसे, सबसे पहले बात क्या है कि हमको पोजीशन ऑफ लेटर याद होना चाहिए, दूसरा अपोजिट याद रहेगा, तो दोनों चीज़ से मेरा कुछ हद तक काम हो सकता है। अब हमको देखना क्या है कि मेरे पास कितना इक्वेशन दिया गया, ये तो मेरा पहला वाला इक्वेशन हो गया, इसी तरीके का मेरा दूसरा वाला भी इक्वेशन है, इसी तरीके का मेरा तीसरा वाला भी इक्वेशन है, इसी तरीके का मेरा क्या है आपका चौथा वाला भी इक्वेशन दिया गया। तो आपके पास 4 इक्वेशन दिए गए हैं, उस चारों इक्वेशन में हमको देखना क्या है कि कौन कौन सा वर्ड है, कौन कौन सा सिंबल कॉमन मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये फर्स्ट लेटर के हिसाब से आपका सिंबल दे देगा, लास्ट वाले के हिसाब से आपका सिंबल दे देगा, आपके वर्ड में कितने कॉन्सोनेंट हैं और आपका कितने वॉवेल हैं इसके हिसाब से आपका सिंबल दे देगा, मतलब कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके एक होता है कि अगर आपका नंबर ऑफ वर्ड अगर आपका इवन है तो उसके लिए अलग सिंबल होगा, नंबर ऑफ वर्ड आपका अगर ऑड है, ठीक है, तो उसके लिए अलग सिंबल होगा। तो वैसे करके हम लोग को ढूंढना है। अब इसको जल्दी हम लोग कैसे ढूंढेंगे, हम लोग को जल्दी ढूंढना है, ठीक है, काफ़ी कम टाइम में हम लोग को क्या करना है, ढूंढना है ये चीज़ को कि हम लोग इसको कैसे एडजस्ट करेंगे और कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले ढूंढना है कॉमन टर्म, या तो वर्ड में कॉमन टर्म ढूंढ लो जो इक्वेशन 1 में भी कॉमन हो, इक्वेशन 2 में भी कॉमन हो, 3 या 4 चारों में से कोई 2 में कॉमन हो, या फिर 3 में या फिर 4 में कॉमन हो, ठीक है। तो ढूंढने में हमको आसानी मिलेगा। अगर ये नहीं होगा वर्ड से तो हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग से भी कॉमन ढूंढ सकते हैं, या तो W से कॉमन ढूंढ लेंगे, या तो फिर स्टार से ढूंढ लेंगे, या फिर डॉलर या फिर हैज से ढूंढ लेंगे।
अब देखो क्या है, अगर हम इसका ही बात हम अगर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या लिखा गया यहाँ पे देखो कि W star 21 W star 24 है, P dollar 18 है, Q has 18 है। अब देखो ये जो आपका सिंबल है डॉलर है और ये जो आपका सिंबल है हैज है, ये दोनों अलग अलग है, हो सकता है किसी का भी हो, क्योंकि यहाँ देखो कोई आपका अगर फर्स्ट वाला वर्ड देखा जाए सी जी बी और एम कोई मैच नहीं कर रहा, सारा आपका सारा का क्या है अलग का दिया गया है, ठीक है। लास्ट में देखो कि यहाँ टी है, यहाँ एन है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे एम दिया गया, तो ये टी टी दोनों तो मैच हो रहा है, तो हो सकता है कि कॉमन जो आपका कोड हो वो आपका इसी दोनों लेटर पे वेस्ट हो, ठीक है। फिर आपका देखना क्या है, तो अगर हम मान लें कि टी का जो कोडिंग है यहाँ पे, ठीक है, मान लें कि यहाँ पे जो टी का कोडिंग है वो क्या दिया गया है, स्टार दिया गया, मतलब जितने भी लास्ट में आपका टी है उसका क्या क्या कोडिंग दिया गया है, स्टार। या फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कॉन्सोनेंट के हिसाब से आपका कोडिंग दिया गया हो, कहने का मतलब ये है कि लास्ट में आपका जो भी कॉन्सोनेंट आएगा वो आपका कोडिंग हो जाएगा, उसका जो भी स्टार होगा है ना वो हो जाएगा, या फिर जो भी आपका सिंबल दिया गया है। लेकिन बात यहाँ ये है कि अगर मान लो यहाँ इवन रहता है, यहाँ आपका वॉवेल रहेगा ए ई आई ओ यू करके, तब क्या पॉसिबिलिटी कि उसके ठीक पहले वाला जो आपका कॉन्सोनेंट रहेगा उसके लिए कोडिंग होगा, ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो मेरे पास दो अभी पॉसिबिलिटी है, पहला क्या कि लास्ट वाला अगर कॉन्सोनेंट हो तब, या फिर सिंपल लास्ट वाले लेटर का आपका कोड दिया गया हो तब, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि देखेंगे कि स्टार स्टार तो यहाँ कोड में दिया गया है, और जो स्टार है वो किस इक्वेशन में दिया गया है, ठीक है, और जो स्टार है वो आपका किस इक्वेशन में दिया गया है। तो आपका इक्वेशन टू में देखो दिया गया है, इसमें भी आपका लाइट लिखा गया है, देखो एल आई जी एस टी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी स्टार, मतलब टी का ये कन्फर्म हो चुका है कि आपका स्टार होगा। थर्ड वाले में भी देखो, थर्ड वाले में दो आपका स्टार है, एक आपका डब्ल्यू स्टार 15 है, फिर आपका डब्ल्यू स्टार 15 दो बार करके दिया गया है। तो लास्ट में आपका प्रिंट है, प्रिंट में भी आपका स्टार है, फिर आपका ग्रैंट में भी स्टार दिया गया है। तो कहने का मतलब है आपका कि ये कन्फर्म हुआ है कि लास्ट वाला जो वर्ड आपका होगा कॉन्सोनेंट होगा उसका कोडिंग क्या है, जैसे टी का आपका क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। तो ये कन्फर्म हो गया कि टी का आपका कितना हो जाएगा, स्टार, कॉमन टर्म हमको मिल रहा है। फिर आपका दूसरा क्या है यहाँ पे हमको देखना है, अब हमको हैज़ देखना है कि हैज़, अब देखो हैज़ क्या है कि मेरा दो जगह कॉमन है, ठीक है। यहाँ देखो इक्वेशन सेकंड वाले में लिखा है बुलियन डिलक्स लाइट पोजिशन, अब देखो बुलियन जो लिखा है उसके लास्ट में भी एन है आपका, और आपका पोजिशन के लास्ट में भी एन है, जब दोनों जगह एन है तो मेरा दो कोड कॉमन होना चाहिए एक ही इक्वेशन में मेरा, तो दो कोड मेरा जैसे ही कॉमन होगा तो वो दो कोड जो है वो क्या है आपका, तो वो दो कोड आपका हैज़ है। कहने का मतलब है कि यहाँ एन का जो कोडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, ये मैंने इक्वेशन टू के हिसाब से फाइंड आउट किया है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा वाले में देखते हैं, अब देखो मेरे पास दो तो हो गया, अब तीसरा आपका डॉलर है, फिर आपका फोर्थ वाला क्या है परसेंटेज करके दिया गया, बस दो मिल गया हमको, दो और ढूंढना है सिंबल। अब सिंबल हमको ढूंढना है तो हम लोग देखेंगे क्या कि अब यहाँ पे डॉलर को हम लोग ढूंढते हैं, तो डॉलर जो है वो पहले वाले में सिंगल है, तो हम लोग को हैज़ भी मिल गया मेरा और मेरा स्टार भी मिल गया है, तो एन का मतलब यहाँ हैज़ हो रहा है और टी का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार हो रहा है, कन्फर्म। तो यहाँ स्टार टी हो रहा है, एन आपका हैज़ हो रहा है, फिर यहाँ टी यहाँ स्टार हो रहा है, तो बचा आपका क्या, एम का जो कोडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, डॉलर हो जाएगा, मतलब एम का जो कोडिंग हो जाएगा वो आपका क्या होने वाला है, डॉलर होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आपका बचा क्या, परसेंटेज आपका बच रहा है, अब परसेंटेज देख लो क्या है, सेकंड वाला इक्वेशन पे आते हैं हम लोग, सेकंड वाले इक्वेशन पे आते हैं, बूलियन यहाँ लिखा गया और एक आपका लिखा गया डिलक्स, देखो यहीं पे लोचा है थोड़ा सा, ये डिलक्स लिखा गया, ठीक है। फिर आपका लिखा गया लाइट लिखा गया, एक बुलियन को हम लोग फिर से लिख देते हैं BOOLEAN, ठीक है लाइट है, फिर आपका क्या लिखा गया, पोजीशन लिखा गया, ठीक है, ये आपका पोजीशन लिखा गया। अब देखो एन का तो कोडिंग हम लोग यहाँ पे किए हैं ना, हैज, ठीक है। टी का कोडिंग क्या किए हैं, स्टार किए हैं, एन का कोडिंग फिर से क्या किए हैं, हैज़ किए हैं, और हमको पता है कि एम के बदले क्या लाना है, हमको डॉलर ही लाना है, एम के बदले हमको क्या लाना है, डॉलर ही लाना है। तो अब हमको क्या है यहाँ पे देखना है क्या कि देखो यहाँ पे कि ये तो आपका दे दिया वॉवेल
ठीक है, वॉवेल आपका दे दिया है। अब देखो क्या कि जहाँ जहाँ लास्ट में ई है वो होना चाहिए, तो ई आपका देखो कि ई आपका सिर्फ दो जगह है, दो जगह कहने का मतलब क्या है, एक डिलक्स है, एक आपका स्पाइन भी, स्पाइन में भी दिया गया। और अगर स्पाइन दिया गया है वहाँ पे, तो जहाँ पे स्पाइन आपका थर्ड नंबर वाला इक्वेशन में दिया गया है, थर्ड नंबर वाले इक्वेशन में जहाँ पे स्पाइन दिया गया है आपका, स्पाइन SPINE स्पाइन दिया गया लास्ट में ई है, वहाँ पे आपका परसेंटेज का कोई चर्चा नहीं है इक्वेशन नंबर थर्ड में, वहाँ पे परसेंटेज का कोई चर्चा नहीं है। जब वहाँ लास्ट में ई है तो वहाँ परसेंटेज का भी चर्चा होना चाहिए ना, वहाँ तो मेंशन किया होना चाहिए कि मेरा परसेंटेज मतलब क्या ई होगा, जैसे कि एन का हैज हो रहा है, टी का स्टार हो रहा है, एम का आपका डॉलर हो रहा है, तो ये परसेंटेज का भी यहाँ अगर हम परसेंटेज लेते हैं ई के बदले, तो मेरा ई के बदले यहाँ भी परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन इक्वेशन थर्ड वाले में आपका क्या है कि वो परसेंटेज है ही नहीं, तो कहने का मतलब ये कन्फर्म हो रहा है मेरा कि ये लास्ट वाला वैल्यू मतलब क्या है आपका, ये एक्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, मतलब मेरा सिंबल क्या है, सिंबल मेरा फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब हमको देखना क्या है, यहाँ पे तीन चीज़ मेरा कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो सिंबल तो मेरे को समझ में आ गया भैया कि सबका पार्टिकुलर दिया गया, पार्टिकुलर हमको मिल भी गया लेटर, लेकिन दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका यहाँ पे दिया गया है लेटर, लेटर दिया गया डब्लू डब्लू करके दिया गया है। ठीक है, तो डब्लू डब्लू करके दिया गया है, ठीक है, तो डब्लू करके दिया गया यहाँ पे, फिर आपका क्या है, यहाँ पे आपका P डॉलर 18 है, Q हैज आपका क्या है 18 है। अब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वर्ड को उठाएंगे, उसके कोडिंग को उठाएंगे, तो ज़्यादा समझने में आसान रहेगा। तो एक वर्ड को अगर हम जैसे उठाते हैं, अगर एक वर्ड को उठाते हैं तो मान लो यहाँ हम कहीं से ये उठा लिए, ये आउटपुट कहाँ लिखा गया ज़रा देखना, आउटपुट आपका लिखा गया है, आउटपुट कहीं नहीं है। ठीक है, दूसरा आपका डिलक्स, अगर हम लोग डिलक्स को ही उठाते हैं यहाँ पे डिलक्स है, तो डिलक्स का कोडिंग हम लोग थोड़ी देर पहले क्या देखे थे, डिलक्स का जो कोडिंग होगा वो आपका एच परसेंटेज और 18, क्योंकि आपका एक्स का जो ये है कोड है आपका, वो क्या है आपका एक्स का जो कोड है आपका, वो आपका परसेंटेज दिया गया। ठीक है, एक्स का कोड आपका परसेंटेज दिया गया, तो हम लोग मान लिए कि इसका ये कोड है, इसे ज़्यादा ढूंढने में हमको क्या होगा, आसानी होगा। अब देखो क्या है, ये एक्स का कोड है, तो यहाँ एच कैसे लाया, यहाँ 18 कैसे लाया, हम लोग क्या करेंगे, 18 हो सकता है या तो पहले वाले लेटर का आपका पोजिशन होगा, या तो लास्ट वाला पोजिशन होगा, या तो फिर आपका मिडिल, या फिर फर्स्ट, या फिर सेकेंड लास्ट करके ऐसे करके दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 18 है, और 18 का मतलब क्या होता है, ये R वाला जो है वो 18वें पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो जब 18वें पोजीशन पे आता है वहाँ से, तब क्या करना है कि ना तो इसमें R है, यहाँ तो R है ही नहीं, तब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के देखेंगे, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है, तो 5 और 4 9, ये भी नहीं हो रहा है। एक चीज़ हम लोग को ध्यान में देना है यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 6 टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो है आपका वो कितना है, 6, टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना है 6, अगर 6 को 3 से गुना करते हैं तब 18 आ सकता है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग हैज निकाले थे, तो हैज़ हम लोग किसको मान सकते हैं, यहाँ पे किसका कोडिंग हो सकता है, क्यू हैज़ 18, अगर 18 करना है मतलब इसमें भी अगर 6 3 18 है, तो यहाँ 18, तो वहाँ भी आपका नंबर ऑफ लेटर कितना होना चाहिए वर्ड में, 6 होना चाहिए। तो देखो क्या है, क्यू हैज़ 18 करके दिया गया है, तो हैज़ हम लोग किसका निकाले थे, एन का निकाले थे, और एन आपका एक ही है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग गार्डन लिखते हैं, यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, गार्डन लिखते हैं, तो गार्डन का कोड क्या हो जाएगा, क्यू हैज़ और 18 हो जाएगा, क्योंकि हैज़ आपका एक ही है और एन आपका एक ही है, तो कन्फर्म है कि एन का ही कोड आपका क्या हो जाएगा, हैज़ होगा, और जहाँ हैज़ है वहाँ पे दोनों साइड वाला एलिमेंट भी आपका वहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 गार्डन में भी आपका 6 होगा, मतलब कन्फर्म हो गया कि आपका 6 जितना नंबर ऑफ लेटर रहेगा एक वर्ड में उसका 3 गुना कर देना है मेरे को। ठीक है, उसका क्या करना है, 3 गुना कर देना है, तो आपका ये भी निकल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं, एक साइड में यहाँ पे लिख लेंगे कि पहला वाला ट्रिक क्या है, पहला वाला आपका ट्रिक है स्पेशल कोडिंग अल्फ़ाबेट, जो हम लोग अभी सिम्बल निकाले हैं, स्पेशल कोड अल्फ़ाबेट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर इनटू 3 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तीसरा वाला मेरे को ढूंढना है, तीसरा वाला मेरा अल्फ़ाबेट है उसको ढूंढना है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे
H लाया है। अब H ये कैसे ला सकता है, H लाएगा, H का पोजीशन कितना होता है, H 8 करके होता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो लेटर है वो आपका 6 ही है तो 8 नहीं हो सकता है। या तो हो सकता है ये फर्स्ट वाले लेटर से इंक्रीज किया होगा या फिर लास्ट वाले लेटर से, या फिर मिडिल तो कोई होने वाला है नहीं, फर्स्ट सेकेंड से भी हो सकता है या फिर सेकेंड लास्ट से भी आपका हो सकता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे E का पोजीशन 5 है और इसका आपका 4 है, अगर इससे इंक्रीज किया गया होगा 4 4 8 इंक्रीज किया होगा, अगर लास्ट वाले से इंक्रीज किया होगा तो 5 3 क्या किया गया होगा, इंक्रीज किया होगा, 3 आपका इंक्रीज किया होगा। गार्डन वाले में देखो कि फर्स्ट वाला G है तो Q कभी आ नहीं सकता है कन्फर्म। ठीक है, N का पोजीशन आपका 14 है, 14 और 3 कितना होता है 17, 17वें पे क्या आ रहा है आपका Q आ रहा है। फिर यहाँ पे 5 और प्लस 3 8 कन्फर्म हो चुका है ये कि आपका जो है ये लास्ट लेटर का लास्ट लेटर प्लस क्या करेगा 3 करेगा, ये आपका कन्फर्म हो चुका है। तो आपका तीनों ट्रिक निकल कर सामने आ चुका है मेरा कि आपका जो भी आपका हो रहा है लास्ट लेटर प्लस क्या कर रहा है आपका 3 कर रहा है। ठीक है, फिर आपका क्या कर रहा है टोटल नंबर ऑफ लेटर और इनटू आपका 3 कर रहा है। फिर आपका स्पेशल कोड आपका दिया गया है अल्फ़ाबेट में, ये आपका स्पेशल कोड है आपका टी का स्टार है और आपका एन का हैज़ है, एम का डॉलर है और एक्स का आपका परसेंटेज है, तो ये किया गया। अब इसके बेसिस पे मेरा जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग आराम से बना सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चंस पे हम आते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या गया है यहाँ पे कि आपका पी डॉलर 15, आपका पी डॉलर 15 आपका यहाँ पे लिखा गया है कि पी डॉलर 15 लिखा गया। ठीक है, पी डॉलर 15 ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे कि जो ये जो 15 आ रहा है मतलब 5 का मल्टीपल होगा, 5 × 3 = मेरा 15 आ रहा है, मतलब जो मेरा वर्ड होगा वो जो मेरा वर्ड होगा वो मेरा कितना होगा 5 लेटर का वर्ड होगा, 3 से गुना करने पे 15 आ रहा है। ठीक है, ये डॉलर देखो डॉलर किसका है, मतलब लास्ट में क्या होने वाला है यहाँ पे एम होने वाला, लास्ट में आपका क्या होने वाला है एम होने वाला है। ठीक है, और इसका नंबर ऑफ जो है पोजिशन वो 16 है, पोजिशन ऑफ लेटर आपका 16 है, 16 में से 3 जाएगा, 16 में से 3 जाएगा, बचेगा 13, मतलब लास्ट में भी आपका क्या होना चाहिए एम होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो आपका कि लास्ट में आपका एम किसके पास है, एम आपका ब्लूम के पास है। ठीक है, सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन है ये ब्लूम आपका ऑप्शन दिया गया। अब देखो एम का पोजीशन आपका ये कोडिंग आपका हैज़ हो जाएगा, फिर आपका क्या 1 2 3 4 5 मतलब ये 15 हो जाएगा और एम का पोजीशन आपका कितना हो जाएगा 13 और 13 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 16, है ना। तो कहने का मतलब ब्लूम का मेरा एक ही बार में निकल के आ गया है, है ना। उसके बाद क्या है कि निम्न में से किस शब्द का कोड W*21 होगा, मतलब निम्न में से किस चीज़ का कोड जो होगा W*21 होगा, W*21 करके दिया है। अब कन्फर्म है कि 7 का मल्टीपल होगा, 7 मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हो गया उस वर्ड में आपका 7 होने वाला है, और W का जो क्या है आपका W से 3 लेटर पीछे का आपका बात करेगा। तो हम लोग देखेंगे 7 इसमें कौन कौन से ऑप्शन में दिया गया, 2 2 4 2 6 दिया गया है, तो पहला वाला आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला क्या है आपका 2 2 4 2 6, दूसरा वाला में भी 6 लेटर हमको चाहिए, कितना 7 चाहिए। सी वाले में देखते हैं इविडेंट है 2 2 4 2 6 1 7, हाँ सी वाले में है। ठीक है, पहला सी वाले में है और दूसरा आपका 2 2 4 2 6 इसमें भी नहीं है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी देखने से लग रहा है कि ऐसे ही आपका सी हो जाएगा, ये आपका इविडेंट, इविडेंट आपका बराबर W*21, ये टी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा, ये 7 है तो 7 × 3 = 7 = 21 हो जाएगा आपका, और ये टी 20+3 = 23 आपका क्या हो जाएगा W हो जाएगा। तो ये कन्फर्म है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, तो आगे भी आपका क्वेश्चंस है वैसे हम लोग बनाएंगे। बोट्सवाना लिखा है यहाँ पे, लिखा है BO, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये बोट्सवाना लिखा है, फिर आपका लिखा है रिएक्शन। अब देखो क्या है, किसी भी पेन प्रकार का मतलब पेन और पेंसिल का जरूरत नहीं है मेरे को, एकदम पेन फ्री सॉल्यूशन यहाँ पे बनाएंगे। एन ये वॉवेल तो होने वाला है नहीं, तो एन एन का मतलब क्या हो जाएगा हैज़ हो जाएगा, इसका ये भी एन का मतलब हैज़ हो जाएगा, नंबर ऑफ लेटर कितना 2 2 4 2 6 2 8 मतलब 24 यहाँ पे हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ भी 24 हो जाएगा आपका,
ए, ए मतलब 1 प्लस 3 इज इक्वल टू डी, दूसरा डी एन, एन प्लस 3 मतलब आपका 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 14 15 16 17 मतलब आपका क्या हो जाएगा क्यू, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसा देखो ऑप्शन किस चीज़ में आपका, फर्स्ट नंबर वाले में ही आपका ऑप्शन है, ये दोनों इधर उधर भी रहे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम चलेगा आपका, है ना, आंसर आपका हो जाएगा। लास्ट वाले में गोल्डन दिया गया है, देखो गोल्डन यहाँ पे दिया गया, गोल्डन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये हैज हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही हैज होगा यहाँ पे, हैज होता है तो उसके बाद 2 2 4 2 6 मतलब 6 18 हो जाएगा, उसके बाद n का 14 और प्लस 3 बराबर 17 बराबर q, यहाँ पे q हैज 18 हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट देखो, आउटपुट क्या लिखा गया है, या आउटपुट t का क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, 3 3 6 मतलब 18 हो जाएगा, 20 प्लस 3 बराबर क्या होता है, 20 प्लस 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 23, और 23 पे आपका क्या आने वाला है, W। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, सारा जो क्वेश्चन है वो मेरा यहाँ पे सोल्व हो गया है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, फिर से आप लोग बनाइए, ठीक है, फिर से आप लोग बना के सबको ट्राई कीजिए। अब क्या है कि हम बताना ये चाह रहे हैं आपको इस चीज़ के, इस क्वेश्चंस के माध्यम से, कि आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा, आपका जो भी क्वेश्चंस आपका आ रहा है उसमें क्या होना चाहिए, आपको या तो कॉमन टर्म ढूंढना है, कॉमन टर्म कहने का मतलब जो आपका इक्वेशन 1 में 2 में 3 4 दोनों में से किसी में अवेलेबल हो आपका, ठीक है, बस कॉमन टर्म ढूंढ के हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग भी कर सकते हैं, उसका कोडिंग पता कर सकते हैं कि आपका अल्फ़ाबेट लेटर कैसे अरेंज किया गया है, आपका सिंबल कैसे अरेंज किया गया है, और आपका नंबर कैसे अरेंज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि जब तक आप ऐसे क्वेश्चंस का कम से कम 300-400 क्वेश्चन जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो क्या होता है बेसिकली कि हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, और तब बोलते हैं रिवीजन के लिए, तो रिवीजन वैसे नहीं होता है। रिवीजन होता कैसे कि आप चैप्टर पढ़ो, उसमें से कम आप 800 से 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो, ये कन्फर्म फिक्स होना चाहिए कि ये चैप्टर हमको आता है, इसमें कहीं से कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है आपका, तब आपका क्या है कि तब आपका स्पीड भी उसी टाइम सही हो जाएगा उस चैप्टर से, उस चैप्टर का जो भी चैप्टर आप बना रहे हो, ठीक है, और एक्यूरेसी भी आपका बाद में सही हो जाएगा कुछ दिन बाद चल के, जब आप 1000 क्वेश्चंस टच कर दोगे तो पढ़ना है तो कन्फर्म प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कन्फर्म अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आपका आता है तो उसमें कॉमन टर्म देखिए, जहाँ से आपका क्वेश्चन हो ऐसा आपको मिले, या फिर नेट से PDF मिले, कहीं से भी मिले आप बनाओ, अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो मेरा, है ना, कमेंट वहाँ पे मेंशन कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ DR Study Point के साथ, थैंक यू।